हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। आज आप लोग क्लास ट्वेल्थ का हिंदी विषय की एक कहानी पढ़ेंगे, जिस कहानी का शीर्षक है रोज। रोज अज्ञेय जी की एक बहुत चर्चित कहानियों में से एक है। रोज जो है अज्ञेय जी की एक बहुत चर्चित कहानियों में से एक है। यह कहानी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की एक कहानी है। इस कहानी में मालती नाम की एक लड़की रहती है, जो बचपन की चंचल और बातूनी लड़की रहती है। मैंने कहने का तात्पर्य है कि शादी से पहले मालती का जीवन बहुत ही अच्छा था। वह अपने बाल सखा के साथ बैठना, खेलना, खाना, रहना सब बहुत अच्छे ढंग से करती थी। लेकिन मालती की जब शादी हो जाती है तब उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। मालती की शादी एक महेश्वर नाम के लड़के से होती है, जो एक पहाड़ी इलाके में छोटा सा डिस्पेंसरी यानी डॉक्टर का काम करता था। और महेश्वर का जीवन जिस तरह से था, सेम उसी तरह से मालती का भी जीवन होता गया। महेश्वर जो है गैंग्रीन का ऑपरेशन करता था। गैंग्रीन एक खतरनाक रोग है, जो मनुष्य के में कांटा अगर चुभ जाता है और उसको नहीं निकाला जाता है तो बहुत दिनों के बाद वही कांटा जहर बन जाता है, और सही से इलाज नहीं किया जाए तो आदमी की मौत भी हो सकती है। और इधर जो है मालती का जीवन जो है और सुनापन उसके जीवन में आते गया। एक दिन जो है उसका बाल सखा मिलने गया मालती से, तो मालती जो है अपने बाल सखा का स्वागत उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाती है जितना अच्छा ढंग से करना चाहिए, और अनमयस्क भाव से वो अपने बाल सखा का स्वागत करती है और बच्चा रो रहा है इस तरह से बहाना करके वो अपने बाल सखा के पास से बाहर चली जाती है। बाल सखा बहुत देर तक इंतज़ार करता है। उसके बाद जब मालती नहीं आती है तो उसके मन में यह भाव उत्पन्न होने लगता है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद लड़की कितनी बदल जाती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस वह बाल सखा का स्वागत इसलिए नहीं करती है क्योंकि उसके जीवन में एक सुनापन आ गया है। वह अपने प्रतिदिन की दिनचर्या के कारण वह उब चुकी है। प्रतिदिन पति की इंतज़ार करना, उसके बाद जो है बर्तन मांजना, बच्चे को संभालना और यानी खाना बनाना, इस तरह से जो उसका जीवन जो है एक उबाऊ सा हो गया था। उसके जीवन में सुनापन आ रहा है। जिस प्रकार काली छाया मंडरा रही थी उसी प्रकार लगता था कि उसके घर पर भी एक काली छाया मंडरा रही है। तो यह था मालती के घर का वातावरण, उदासपूर्ण था। सब कुछ होते हुए भी जो है उसके जीवन में सुनापन था। और उधर जो है प्रतिदिन जो है महेश्वर जो है डिस्पेंसरी से आता था तो बताता था कि आज किसी का पैर काट दिए हैं, किसी का ऑपरेशन कर दिए हैं। तो इधर जो है अपने घर से तबाह थी, उधर अपने पति की बकबक से वह जो है ज़्यादा तबाह थी। तो इस तरह से यानी मालती का जीवन और उसके पति का जीवन लगभग सेम है। दोनों के जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक उदासपूर्ण जिंदगी है। तो इस कहानी के माध्यम से आप लोग सीखे हैं कि मालती की तरह हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं हैं जो जिसका जीवन जो है मालती के जीवन के जैसा ही है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इस तरह की अच्छी और रोचक कहानी आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।